बड़ी खबर बिहार से, जहां पर रामचरितमानस पर अपने बयान पर नीतीश ने माफी की मांग की है। शिक्षा मंत्री से माफी की मांग की गई है, बयान वापस लेने की बात नीतीश कुमार ने कही है। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, कहीं कोई विवाद नहीं है, सब फालतू की बात है, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बयान वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये नीतीश कुमार का कहना है। रामचरित मानस विवाद के बीच आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला था, क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश, सुन लेते हैं।